नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक एंड क्रेस ऑफ टेक में स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक है वो देखने में और पढ़ने में काफ़ी कठिन लगता है, और टॉपिक का नाम है प्रिसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। और जितना ही कठिन लगता है उतना ही आसान है। आज इस लेक्चर में हम प्रिसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सी लैंग्वेज में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, और अगर हमारे एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में ही हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सी लैंग्वेज को पहले से ही पता होता है, ये प्री डिफाइन होता है रूल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑपरेटर कब एग्जीक्यूट होगा, यानी कि किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी लो है, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है कंपेरिजन टू किस ऑपरेटर के, ये सभी कुछ हमारा सी के रूल्स में पहले से ही डिफाइन है। और ये जो रूल्स हैं हमारे प्रायोरिटी सेट करने के हमारे ऑपरेटर्स के, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रिसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर की प्रिसीडेंस। चलिए दोस्तों, प्रिसीडेंस के बारे में मैं आपको एक और थंब रूल बताता हूँ, वो ये है कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटाइल, इन सब की प्रायोरिटी हाई होती है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि डबल इक्वल टू, यानी कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी से। और जो हमारी होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट, इनकी प्रायोरिटी कम होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं इनकी प्रायोरिटी हमारी हाई होती है एज कंपेरिजन टू द लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, वन इज ग्रेटर देन टू प्लस थ्री एंड फोर, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था भाई एडिशन यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे ज़्यादा होगी हमारी, तो इसमें 2 प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया और 1 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 3 इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया एंड 4, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट एकदम क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस 3 हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर है और अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है एज कंपेरिजन टू अदर। तो भाई सबसे पहले हम 2 प्लस 3 करेंगे तो इसका आंसर आ गया 5। उसके बाद क्या होगा, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करेगा, तो 1 इज ग्रेटर देन 5 ये सही है या नहीं, यानी कि जो हमारा बूलियन नंबर है इसका 0 या 1, तो ये ठीक नहीं है तो यहाँ पर हम इसको एज अ 0 ट्रीट करेंगे, 0 एंड 4। और अगर हम करते हैं 0 एंड 4 तो इसका एग्जीक्यूट का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 0, यानी कि फॉल्स, तो इसका आउटपुट आ गया 0। तो ये था एक हमारे प्रिसीडेंस का एग्जाम्पल। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी है क्या? अगर हमारे एक सेम एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर्स आ गए जिनकी सेम प्रेसिडेंस यानी कि जिनकी सेम प्रायोरिटी है, तो हम किस तरह से पता करेंगे कि भाई किसको हमको पहले एग्जीक्यूट करना है? तो इसका जो आउटपुट मतलब जो इसका जो आंसर देगा अपने को वो कौन देगा? एसोसिएटिविटी। आइए एक एग्जांपल के थ्रू एसोसिएटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 डबल इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो हमारे यहाँ डबल इक्वल टू भी है, नॉट इक्वल टू भी है, और इन दोनों की प्रिसीडेंस क्या है? बिल्कुल एक सी, यानी कि सेम प्रायोरिटी है। मैं आपको बता चुका हूँ लॉजिकल सेम प्रायोरिटी के होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर अपनी स्टेज पर तो सेम ही होंगे। अब अर्थमेटिक लॉजिकल से ज़्यादा वैल्यू रखता है प्रायोरिटी में, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल इक्वल टू भी है और नॉट इक्वल टू भी है, तो ये तो सेम प्रायोरिटी रखते हैं। बट क्या होता है कि हमारा ये चलता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहले हमारा लेफ्ट वाला काम करेगा फिर हमारा राइट वाला काम करेगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई अगर हमारी सेम प्रायोरिटी है तो सबसे पहले कौन सा आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें एग्जीक्यूट होने वाला ब्लॉक है 1 इक्वल टू 2, तो हम देख पा रहे हैं 1 इक्वल टू 2 अगर हमने एग्जीक्यूट करा तो इसका आउटपुट आएगा 0, क्योंकि 1 2 के इक्वलेंट नहीं है। अब इसका आउटपुट आ गया 0,
तो 0 नेगेशन मार्क्स इक्वल टू 3, क्या हमारा 0 3 के बराबर नहीं है, तो यहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि 0 हमारा 3 के बराबर नहीं है, तो इसका आउटपुट आ गया 1। तो दोस्तों ये था हमारा एक एसोसिएटिविटी का एग्जांपल। अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लेफ्ट टू राइट चलना है, बट हमारे को सभी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, चलना ही नहीं है, तो वो सब कुछ कौन बताता है, हमारा एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी के बारे में अगर हम ज़्यादा बात करते हैं थोड़ी सी, तो मैं आपको एक टेबल शो करना चाहूँगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ से मतलब है कि अगर हमारा ऑपरेटर ये है तो उसकी एसोसिएटिविटी कैसी होगी, कि वही लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। तो इस सभी के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे आपको ऑपरेटर दिख रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है और उसके बाद उसकी एसोसिएटिविटी भी लिख रही है। और इस टेबल में आप सारे कुछ ऑपरेटर्स देख सकते हैं, वही सारे ऑपरेटर जो हमारे इसी में यूज़ होते हैं और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए हैं। टेबल दोस्तों थोड़ी सी बड़ी है, और अगर आप इस टेबल को चाहते हैं और इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं, hakinkuresoftech.blogspot.in, जिसका लिंक एड्रेस मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल इज़ न्यू एंड इट नीड्स योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।